पूछा था, दूसरा कोई नहीं ना पूछे थे। अब 80 साल के हैं बुजुर्ग, उनका सवाल आने दे, बाकी लोग घर में नहीं, आप भी बता दो। आप सुना है कि कल भी बहुत पूछे, आप बात पूछो पूछो पूछो। आप माइक दो, माइक। Sir, I am H.S. Sharma, oldest living icon of India, 63 days, 80 year old. You don't realize I was member in National Task Force on Perishable Agriculture Commodity. Ambient temperature very high in my country, high relative humidity, no cold chain, 20% peak power shortage. What is the result? 100 kilograms fruit vegetable we grow, 80 kilograms goes to waste. What has the government done till today? No plant in North India, only in Maharashtra. Please listen, you all are top of the Indian society. Get involved, climate is changing, 40% reduction, please listen, 40% reduction will be in the fish. Temperature is going high, you must all get. Human life left on this earth is only 100 years. I give lecture across the world. अब इतना माइक बोल हम उत्तर दे सके भाई, आप मेरा उत्तर भी तो आप सुनेंगे, आप आप उत्तर भी तो सुनोगे। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपके अनुभव ज्यादा हैं, मैं आपके अनुभव का स्वागत करता हूं। मैं फिर बताना चाहूंगा कि इस देश में कोल्ड स्टोरेज को तो बहुत निर्माण है, लेकिन कोल्ड चेन में कमी थी। और आपका सर्व होगा कि मैं मंत्री बना था तो मुश्किल से 300 पैक हाउस थे, क्योंकि मंत्रालय हमारे प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो कोल्ड स्टोरेज तो थे, लेकिन कोल्ड चेन का संकट। और मैं कह सकता हूं कि एक तरफ तो आज 22-23 हजार पैक हाउस ही बने हैं, रिफर महान भी दिए जा रहे हैं, कोल्ड चेन की श्रृंखला को मजबूत किया जा रहा है, और दूसरी वैल्यू चेन, और तीसरी बात जिस मंत्रालय के द्वारा अनुमोदन हुआ है, मैंने भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत ये तो वैल्यू एडिशन है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, और उसके लिए 6000 करोड़ रुपया आज से 2 महीना पहले कैबिनेट ने घोषणा नहीं की है, मंजूरी दी है, और साइट पर जाइए, बड़ी तेजी से इंटरप्रेन्योर्स इस दिशा में आए। चलिए तो मैं इनको पूछते आए बहुत बचे इनको माइक माइक लीजिए। दूर तक पहुंच रहे, लेकिन मैं हरियाणा का किसान हूं, किसानों को सवाल पूछने में पाबंदी लगाई जाती है, पिछले दो कल से भी यही हालात हो रही है। ये फूड प्रोसेसिंग से किसान को क्या फायदा होगा? किसान से फिर तो बेचेगा ही बेचेगा, चाहे आप फूड प्रोसेसिंग करें या ना करें, उससे आप 5 रुपए खरीदेंगे, 50